हेलो गाइस, आज मैं आपको वर्किंग लेआउट बताऊंगा हीट इंजन और रेफ्रिजरेटिंग इंजन साइकिल का कंबाइन में वर्किंग कैसे होता है। कंबाइन वर्किंग, तो ये वर्किंग लेआउट ऑफ कंबाइन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटिंग इंजन साइकिल। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी जो कि कंबाइन इंजन पर वर्क करते हैं। तो इसमें हम एक, जैसा कि हमेशा हम उसके पहले वाले में भी किया था, एक हॉट रिजर्वायर लेंगे जहाँ से हीट एब्जॉर्ब करना है। एक हम सिंक लेंगे, इसमें हम सिंक कॉमन ले लेंगे जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर भी ले सकते हैं। ठीक, सिंक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, या फिर आप और कोल्ड बॉडी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है हीट इंजन में, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर हीट इंजन आपका, इसको आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा कुछ इसको ऑपरेट करने के लिए। वो आपने मान लिया Q1 हीट आपने इसको सप्लाई किया, और ये जो Q1 हीट सप्लाई किया है, इसमें से कुछ Q2 अमाउंट ऑफ हीट ये सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे के लिए लॉसेस है। और जो हमें नेटवर्क मिलेगा इससे, वो नेटवर्क हमें W1 मिलेगा। ओके गाइस, अब ऐसे ही अगर हम इसके बगल में ही एक रेफ्रिजरेटिंग इंजन बनाएं, रेफ्रिजरेटिंग इंजन भी अगर मान लें यहाँ पर ये एक हॉट बॉडी या फिर रूम आपका लिविंग स्पेस, तो लिविंग स्पेस से तुम्हारे, जैसे कि आप एसी मान लीजिए, तो एसी क्या करेगा, एसी आपका लिविंग स्पेस से हीट एब्जॉर्ब करे, उसको हम वर्क देंगे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, एनर्जी वर्क देंगे। मान लिया वो वर्क आपने दिया, वो दिया W2 दिया। ठीक, तो ये W2 वर्क क्या करेगा, वो कुछ Q3 मान लिया, जैसे कि ये Q1 Q2 ले चुके हैं, तो Q3 मान लिया, Q3 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से आपको लिविंग स्पेस से रिमूव करेगा और इसको रिजेक्ट कर देगा सराउंडिंग में, कुछ कन्वर्ट करके कुछ Q4 इसमें रिजेक्ट कर देगा आपके कोल्ड बॉडी में। ठीक, तो अब इसमें हम कंबाइन साइकिल में क्या करेंगे, जो भी वर्क हमें W1 जो हमें हीट इंजन से मिलेगा, वहीं हम उसको सप्लाई करेंगे रेफ्रिजरेटिंग इंजन को। तो इसमें क्या होता है, ये वर्क डन ज़्यादा होता है, या फिर हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो कुछ यहाँ पे हमको नेट वर्क डन मिलेगा, जनरली ये ज़्यादा ही होता है, तो हमें कुछ नेट वर्क डन मिलता है, उसको कहते हैं W3। तो यहाँ पर W3 की बात करें हम, यानी कि नेट वर्क, वो तो आपका होगा W1 माइनस W2। ठीक, तो W1 क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमें हीट इंजन से मिल रहा है, और W2 है वो अमाउंट ऑफ हीट जो रेफ्रिजरेटिंग इंजन में, जो कूलिंग पर्पस के लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, और फिर यहाँ पर W1 की बात करें तो ये सेम रहेगा जैसा कि प्रीवियस केस में था, यहाँ पर Q1 माइनस Q2, Q1 आपका वो हीट आपका जो एब्जॉर्ब किया है यहाँ पर, ठीक, और Q2 जो हीट रिजेक्ट किया है। ऐसे ही जो W2 होगा वो आपका Q3 माइनस Q4 होगा, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ठीक, कि ये इसमें भी Q3 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये वर्कडन से Q3 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q4 में अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है। ओके, अब इसमें मेन तो इसमें यही था, और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होंगी। मेन आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है,
आप इसको अगर एक बार प्रॉपर वे से समझ जाओगे तो इसको आसानी से कर लोगे। यहाँ पे आपको अक्सर क्वेश्चन में दिया रहेगा ये एक कोई डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा, और मान लिया T1 और ये कोई डिफरेंट टेम्परेचर T2 पे होगा, तो इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। बस इसमें याद रखेंगे आप जब भी COP निकालेंगे, चाहे आप COP कैलकुलेट कर रहे हों या फिर आप हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हों, हमेशा हमें क्या लेना है, हमें ऊपर आउटपुट लेना है और नीचे इनपुट लेना है, और बाकी आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक्स।